धरती फाड़कर प्रकट हो चुकी है पहाड़ों की देवी धारी। क्या जोशी मठ की तबाही इन्हीं की देन है, और माता का ये क्रोध क्या बद्रीनाथ धाम को भी तबाह कर देगा? क्योंकि पिछली बार जब माता क्रोधित हुई थी तो केदारनाथ धाम में भयानक जल प्रलय आया था। साल 2013 की उस भयंकर तबाही में बड़ी भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ था। अब जोशी मठ की ये तबाही कुछ वैसा ही संकेत दे रही है। जोशी मठ इन दिनों भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहा है। यहाँ के मकानों, दुकानों और सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं। आए दिन घरों में रोज नई नई दरारें देखने को मिलती हैं और रोज की स्थिति पहले से बुरी होती चली जा रही है। लोगों के घर धंसते चले जा रहे हैं और बेबस लोग जोशी मठ छोड़ने को मजबूर हैं। तो क्या जोशी मठ की इस तबाही का कारण धारी देवी हैं? क्या वे बद्री धाम को भी तबाह कर देंगी, और क्या है धारी देवी के क्रोध का कारण? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय धारी देवी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सकता है हमारी इस प्रार्थना से माता का क्रोध शांत हो जाए और वे इन स्थानों पर अपनी कृपा करें। माता धारी देवी को प्रकृति की देवी कहा जाता है। इन्हें देवभूमि की प्रकृति, तीर्थ स्थल और यात्रियों के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। माना जाता है माता सदियों से पहाड़ों की रक्षा करती चली आ रही हैं, और जब भी पहाड़ों में कुछ गलत होता है तो तबाही के जरिए माता अपना विकराल रूप दिखाती हैं। 2013 में केदारनाथ में आया प्रलय माता के क्रोध का ही परिणाम था। माना जाता है उस समय माता के मंदिर से उनकी मूर्ति को हटाया गया था, इसलिए केदारनाथ में वो भारी तबाही आई थी। उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है धारी देवी मंदिर। मंदिर में माता की मूर्ति का मात्र ऊपरी भाग स्थित है और मूर्ति का निचला हिस्सा काली मठ में मौजूद है, जहां माता को काली के रूप में पूजा जाता है। जब भी पहाड़ों में अधर्मी तत्वों का हस्तक्षेप होता है या फिर कुछ भी अनैतिक कार्य होते हैं तो माता क्रोधित हो जाती हैं और उस स्थान पर अनहोनियां होने लगती हैं। जोशी मठ में होने वाली अनहोनियां माता के उसी क्रोध का सूचक है। किंतु जानने वाली बात ये है कि आखिर जोशी मठ में ऐसा क्या हुआ जिससे माता इतनी क्रोधित हो गईं? आखिर इंसानों ने जोशी मठ में ऐसा क्या किया जिससे जोशी मठ का इतना बुरा हाल हो गया? जोशी मठ की तबाही कर्ण प्रयाग और टिहरी से होते हुए उत्तर काशी तक पहुंच चुकी है। देवभूमि को हिला देने वाली इस तबाही का दोषी कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंसान ही है। जोशी मठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को भी मान रहे हैं। उत्तराखंड का जोशी मठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में जोशी मठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में ये क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जोशी मठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलांग विष्णु प्रयाग बाईपास की खुदाई को भी इस समस्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में ये सामने आया है कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या और अनियोजित विकास भी समस्या का मुख्य कारण है। 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा
यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आज स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। जोशी मठ तो कई साल पहले से ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया। खराब सीवरेज, बारिश और घर से निकलने वाले पानी की वजह से पानी जमीन में रिसने लगा। इसके अलावा अलकनंदा के बाएं किनारे में कटाव को भी जोशी मठ की तबाही का कारण माना जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जोशी मठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। इन सभी कारणों से ग्लेशियर या सीवेज के पानी ने जमीन में जाकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जमीन में भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी किसी भी स्थान के लिए खतरनाक है और जोशी मठ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जमीन में पानी घुस जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें दिखने लगी। जोशी मठ विष्णु प्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल माना जाता है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से भी ये शहर अत्यंत महत्व रखता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस शहर को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। जोशी मठ की दरारों से आ रहा पानी सीधे जमीन से निकल रहा है। जोशी मठ के तहसीलदार रवि शाह ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी में स्थित जेपी कॉलोनी में जगह जगह से पानी निकल रहा है। ये पानी सीधे जमीन से आ रहा है, सीवर लाइन या अन्य किसी पाइपलाइन का लीकेज नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक टेक्निकल टीम ने भू धंसाव का कारण जोशी मठ में पानी की निकासी ना होना माना है। जमीन के नीचे की उथल पुथल का प्रभाव यही नहीं, अन्य महाद्वीपों में भी देखा जा रहा है। इन सभी बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही जोशी मठ भूस्खलन का मुख्य कारण है। अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा या प्राकृतिक संसाधनों पर हद से ज्यादा दबाव डालेगा तो प्रकृति पलटवार तो करेगी ही। जोशी मठ, उत्तरकाशी, टिहरी और कर्णप्रयाग आदि अन्य देव स्थानों की ये तबाहियां मां प्रकृति के पलटवार का ही परिणाम है। आप इन तबाहियों का कारण किसे मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।